दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि फर्स्ट क्रम में अपना बैंक अकाउंट नंबर कैसे ऐड करें जिससे आपका पेमेंट रिफंड होता है। तो दोस्तों, आप बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना सीख लीजिए। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला, जैसे कि देख सकते हैं मेरा अकाउंट में इसमें ऐड है, तो मैं आपको सीधे होम पेज पर ले आता हूँ और मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे देता हूँ। दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको चलना है अकाउंट वाला ऑप्शन पे। जैसे अकाउंट वाला ऑप्शन पे आएंगे, इस पर क्लिक करके फिर आपको चलना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपको आना है यहाँ पर लिखा है माय पेमेंट डिटेल्स, इस पर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो कुछ इस तरह से इंटरफेस खोल के आ जाता होगा। देख सकते हैं कि हमारे पास एक नया पेज खुल के आ रहा है। थोड़ा सेकेंड, एक सेकेंड मेरा दोस्त वेट करिए, क्योंकि मेरे मैनेजर जो है था स्लो चल रहा है इसके लिए। थोड़ा एक सेकंड वेट करिए प्लीज़। देख सकते हैं कि हमारे पास जो है नया पेज खुल के आ गया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, फिर यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा, देखिए यहाँ पर लिखा ऐड न्यू बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करना है और आपका अपना इसमें जो है बैंक अकाउंट नंबर ऐड करें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है अकाउंट नंबर, ठीक है, तो आप बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। फिर आप दोबारा यहाँ पे फिर से बैंक अकाउंट नंबर ही आप ऐड कर दीजिएगा, सेम टू सेम। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे लिखिए अकाउंट, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट होल्डर नेम, मतलब जिस जो भी अकाउंट पे पैसा आने वाला है उस पासबुक जो आपका नाम है सेम, इस पे आप अपना नाम ऐड करेगा, तब क्या आपका पेमेंट जो आने में सभी समय नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर लिखा है आई एफ सी कोड आपको पता ही होगा, वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो आप अपने पासबुक को देख लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा। फिर यहाँ पर बैंक, यहाँ बैंक का नाम कौन सी बैंक का है वो आप यहाँ पर बैंक का नाम यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आइएगा नीचे और ब्रांच नेम, यहाँ पे अपना ब्रांच नेम जो है वहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। फिर आप क्या करना है, यहाँ पे गोट, यहाँ ये वाला ऑप्शन जो नीचे आप दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि सही की चिन्ह मार के यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करें तो आपका अकाउंट जो है बन जाएगा एंड आपका अकाउंट में पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कोई भी पैसा आपका रुका हुआ है तो आ जाएगा। ओके, तो इस तरह जो है आप बैंक अकाउंट नंबर फर्स्ट क्रम में ऐड कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा, एंड कोई भी समस्या हो फर्स्ट क्रम बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, एंड हमारे चैनल नए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आपको फर्स्ट क्रम से लेकर बहुत सारे टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी मिलता रहे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम।